फ्रेंड्स, आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल साइंस वाले कंसेप्ट के ऊपर। ये जो प्रॉब्लम्स होंगी ये बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम आपकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम आपकी करंट डेंसिटी के ऊपर हो सकती हैं। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इससे पहले के लेक्चर्स में भी मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाई हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल साइंस वाले कंसेप्ट के ऊपर, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। और आज हम कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। एट द सेंटर ऑफ अ होलो डायलेक्ट्रिक स्फीयर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इज प्लेस्ड अ पॉइंट चार्ज क्यू। इफ द स्फीयर हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी कैलकुलेट ई एंड पी। पी आपका पोलराइजेशन है, ये भी हमने इसी चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। तो आप देखिए आपको क्या मेंशन है कि पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो सेंटर में आपका प्लेस किया गया है होलो डायलेक्ट्रिक स्फीयर। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, होलो डायलेक्ट्रिक स्फीयर। इफ द स्फीयर हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, दैट मींस अगर यहां पर हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लें तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो इनर रेडियस है ए है और जो आउटर रेडियस है बी है। और यहां पर आपको बोला क्या गया है होलो डायलेक्ट्रिक स्फीयर। इस पॉइंट को ध्यान रखना, मेंस आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो डायलेक्ट्रिक है वो कहां पर होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराता हूं, ध्यान से देखिए। कैलकुलेट ई एंड पी, तो आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्टिव लाइक प्रॉब्लम है। तो आपको ई और पी कैलकुलेट करना है। तो जितनी जितनी कंडीशन आप यहां पर लिख सकते हो सारी कंडीशन आपको मेंशन करनी है। मतलब आप फॉर रेडियस लेस देन ए के लिए निकाल सकते हो, रेडियस ए टू बी के लिए निकाल सकते हो, रेडियस ग्रेटर देन बी के लिए निकाल सकते हो। एक बात ध्यान रखना, स्फीयर की बात कर रहा है तो रेडियस पे फोकस करोगे। सेकंड चीज, यहां पर एक और पॉइंट ध्यान में रख सकते हो कि आपको पॉइंट चार्ज गिवन है। पॉइंट चार्ज क्यू कहां पर है, सेंटर पे है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं केस नंबर वन लेता हूं आर लेस देन ए, मतलब जो आप स्फीयर कंसिडर करोगे वो आपका क्या है, उसकी रेडियस क्या है, बेसिकली लेस देन ए है। मतलब आप लेस देन ए, मतलब जो छोटा वाला स्फीयर है उसके अंदर ही रहना चाहते हो, बट आपका जो चार्ज है वो तो पॉइंट चार्ज सेंटर पे है। तो अगर आपकी रेडियस लेट सपोज आर इतनी है, ठीक है ना, स्फीयर अगर आपका ऐसे बन रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर भी आपका सेंटर पे पॉइंट चार्ज अवेलेबल है, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। तो फॉर आर लेस देन ए के लिए जो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण आंसर क्या होता है, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर ए आर। ये बात अब आपको यहां पर समझनी होगी जो मैं बार बार आपके लिए मेंशन कर रहा था, होलो डायलेक्ट्रिक स्फीयर। तो आपको यह समझना होगा कि जो डायलेक्ट्रिक है, डायलेक्ट्रिक कहां पर प्लेस होगा, क्या डायलेक्ट्रिक यहां पर प्लेस होगा आर लेस देन ए के लिए, बिल्कुल भी नहीं। डायलेक्ट्रिक आपका ए से बी के बीच पे होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, यहां पर मेंशन है होलो डायलेक्ट्रिक स्फीयर, इस बात को समझो, ठीक है। तो यहां से आप क्या मेंशन करोगे, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन जीरो होगी, एप्सिलॉन आर यहां पर नहीं होगा। और अगर एप्सिलॉन आर नहीं होगा तो पी की वैल्यू हमारी क्या होती है, पी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन जीरो जीटा ई इंटू ई, ठीक है ना। ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, अपने नोट्स में जाकर आप देख सकते हो। तो यहां पर ये जो आपका जीटा ई होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है एप्सिलॉन आर माइनस वन, ठीक है। और आपको पता है यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, दैट मींस एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहां पर वन थी, दैट मींस जीटा ई की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, दैट मींस पी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा है अच्छे से। अब आप देखो केस नंबर टू, केस नंबर टू अगर आप लेते हो ए टू आर टू बी, इस सिचुएशन में क्या होगा, इसे भी आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो। अगर आप ए से बी के बीच में लेते हो तो अब आपका एप्सिलॉन आर वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो इस केस में देखो जो ई की वैल्यू है वो तो हो जाएगी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और साथ में आप क्या मेंशन कर दोगे, एप्सिलॉन आर ए आर, क्योंकि एप्सिलॉन आपको पुट करना है, यहां पर एप्सिलॉन आर है आपका ए टू बी के बीच में, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये मीनिंग अंडरस्टैंड करनी होगी होलो डायलेक्ट्रिक स्फीयर की। पॉइंट समझ में आया। तो यहां से अब अगर आप पी की बात करते हो तो एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर माइनस वन इंटू ई, ई ऑलरेडी आप यहां पर अचीव कर चुके हो, अब आपको यहां पर क्लियरिटी मिल गई है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू एप्सिलॉन आर ही गिवन है तो वैसे ही आप लीव कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा पी।
नाउ थर्ड प्रॉब्लम या थर्ड केस आप बोल लो इसे, आर ग्रेटर देन बी, आर ग्रेटर देन बी वाला स्फीयर भी अगर आप कंसीडर करते हो, स्टिल आपको एक बात समझनी होगी, जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ही, तो यहां पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर, और एप्सिलॉन आर यहां पर नहीं आएगा, उसकी वैल्यू 1 होगी, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है या डायलेक्ट्रिक जो है वो ए सी बी के बीच में, ये साफ सा मेंशन है, होलो डायलेक्ट्रिक स्फीयर, ठीक है, तो यहां से P वापस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है, तो जिस रेडियस का आप स्फीयर कंसिडर करोगे या बोल सकते हो ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर आप कैलकुलेशन करोगे वो R है आपका, अलग अलग केसेस में आप देख सकते हो R लेस देन A हो सकता है, R A से B के बीच में हो सकता है, और R ग्रेटर देन B हो सकता है। तो ये आपकी बहुत इजी प्रॉब्लम थी, बस आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये चाहिए थी कि होलो डायलेक्ट्रिक स्फीयर का मतलब क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कहां पर अवेलेबल होगा, एप्सिलॉन R की वैल्यू कहां पर कंसिडर करनी है, कहां पर नहीं करनी है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब आप देखो यहां पर, अ सिल्वर कोटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कैरीज अ टोटल चार्ज ऑफ 12 नैनोकुलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट सरफेस इन फ्री स्पेस, कैलकुलेट डी, डी का मॉड निकालना है बेसिकली, मींस सिर्फ एम्पलीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, डी एक्सटर्नल टू द स्फीयर, यहां पर डायरेक्शन चाहिए, और लास्ट टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड, ठीक है। तो ये भी काफी इजी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन यहां पर भी हमें केसेस समझने होंगे। तो आप देखो यहां पर आपको क्या बोला है, यहां पर आपको यह बोला है कि अ सिल्वर कोटेड स्फीयर, तो अगेन स्फीयर की बात हो रही है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कैरीज अ टोटल चार्ज ऑफ 12 नैनोकुलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस इन फ्री स्पेस। देखो फ्री स्पेस है, दैट मींस एप्सिलॉन आर का कंसेप्ट फिनिश हो गया, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 लेनी है। इसके अलावा आपको यह समझना होगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई आपको पॉइंट चार्ज यहां पर गिवन नहीं है, ये पॉइंट आपको यहां पर अंडरस्टैंड करना होगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि यहां पर आपको स्फीयर की रेडियस भी गिवन है, तो आप कैलकुलेशन डायरेक्टली भी कर पाओगे। आप समझो यहां पर अगर मैं फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करता हूं, तो आप देखो मॉड ऑफ डी अगर आपको निकालना है, तो अगर यहां पर स्फीयर की बात कर रहा है, तो आपको यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यहां पर बोल रहा है डी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ऑन द सरफेस मतलब ऑन द सरफेस पे रेडियस कितनी होगी, डिस्टेंस क्या होगी आपकी, रेडियस क्या होगी, बेसिकली 5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो अगर आप, आपको पता है कि ये जो आपका टोटल चार्ज है 12 नैनोकुलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस है, ठीक है, तो यहां पे आप डी की वैल्यू कैसे निकाल सकते थे, डायरेक्टली आप निकाल सकते थे क्यू अपॉन 4 पाई, और यहां पर जो आपकी रेडियस है, रेडियस आपको गिवन है, तो रेडियस की आप ले लो रेडियस की वैल्यू, और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, रेडियस आप ए बोल लो आर बोल लो, तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर बेसिकली क्या शो कर रहा है आपका, यहां पर ये पॉइंट जो है आपकी, ये शो करता है एरिया, हमें अच्छे से पॉइंट क्लियर है ना, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, डी की यूनिट भी क्या होती है आपकी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर ही होती है, ये पॉइंट भी आपको पता है। बेसिकली डी किसके इक्वल है, मॉड ऑफ डी की अगर आप बात करते हो ना, तो इक्वल हो जाएगा रो एस के, ठीक है, रो एस सरफेस चार्ज डेंसिटी के, मॉड ऑफ डी आपका उसके इक्वल होगा यहां पर, तो जिससे आप क्यू अपॉन 4 पाई रेडियस का स्क्वायर करके यहां पर आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। 5 सेंटीमीटर था, दैट्स व्हाई हमने 5 * 10 की पावर -2 किया, क्यों किया, क्योंकि ना ऑन द स्फीयर ही बोला है आपको, ठीक है, डी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां से अब अगर आप वैल्यूज पुट कर दो, तो आपका जो चार्ज है वो है 12 * 10 की पावर -9, 4 पाई * 25 * 10 की पावर -4, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये कितना बचेगा देख सकते हो आप, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा, तो 3 * 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 25 पाई कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये मैं आपको लास्ट में कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, अभी आपका आंसर आ गया मॉड ऑफ डी का। नाउ अगर मैं यहां पर सेकेंड प्रॉब्लम की बात करूं, तो डी एक्सटर्नल टू द स्फीयर बोला है, एक्सटर्नल टू द स्फीयर का मतलब क्या होगा, आपको ये पॉइंट यहां पर अंडरस्टैंड करना होगा कि
अगर आप d एक्सटर्नल टू द स्फीयर के बारे में थिंक करते हो, ठीक है, तो यहां पर लेट सपोज अगर आप लिखते हो q अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, अगर आप यहां पर मेंशन करते हो, तो आपको यहां पर ये अंडरस्टैंड करना होगा। अच्छा, पहले ये पॉइंट आपको क्लियर है ना कि ये हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो हम क्या लिखते, 4 पाई एप्सिलॉन ही लिखते साथ में, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो आपने b लिखा है, इसमें जो r स्क्वायर हमने लिखा है, बेसिकली r क्या है, r यहां पर अब आपकी वो रेडियस हो जाएगी जो आप स्फीयर कंसीडर करोगे, क्योंकि जो ओरिजिनल स्फीयर आपको प्रॉब्लम में दिया है उसके एक्सटर्नल है। अब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, d एक्सटर्नल टू द स्फीयर। प्रीवियस केस में आपका क्या कैलकुलेशन था, प्रीवियस केस में था ऑन द सरफेस, तो रेडियस की वैल्यू क्या थी, 5 सेंटीमीटर थी। अब आप एक्सटर्नल हो तो आपको आर की वैल्यू पता नहीं है, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहां से अब अगर आप कैलकुलेशन अपना स्टार्ट करोगे तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 9 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू आर स्क्वायर, और साथ में आप डायरेक्शन शो कर दोगे ए आर, ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर शो कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आप देखो, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड। तो इसको आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो, यहां पर हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया हुआ है एनर्जी डेंसिटी का, ये मैंने आपको सिखाया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन मॉड ऑफ ई का स्क्वायर। बेसिकली अगर आप समझोगे तो आपको प्रॉब्लम में फ्री स्पेस मेंशन है, तो आप एप्सिलॉन जीरो पहले से ही मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां से आप समझो, हमने यहां पर डी का जो फॉर्मूला लिखा था उसी फॉर्मूले के थ्रू हम ई का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बस एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, डायरेक्शन की जरूरत नहीं क्योंकि मॉड है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सबका स्क्वायर करना था क्योंकि मॉड ऑफ ई था। यहां से अब अगर आप सिचुएशन को ध्यान से देखोगे तो हाफ, देखो यहां पर क्यू स्क्वायर है तो क्यू कितना है, 12 नैनो कूलम, तो ये हो जाएगा 144 नैनो का क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 18 क्योंकि स्क्वायर है ना। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, तो नीचे खाली एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, फिर 16 पाई का स्क्वायर हो जाएगा और आर की पावर 4 हो जाएगा। यहां तक अच्छे समझ में आ गया, बस मैंने स्क्वायर ही ओपन किया है। तो आप देखो यहां से कैंसिल करते चलो, यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो 16 है ये आपका कैंसिल होगा, यहां से ये कितनी बार जाएगा आपका 9, ठीक है ना, 16 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा आपका 144 ही हो जाएगा। इसके बाद आप देखो यहां से और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है नहीं, अब बस पावर्स कैंसिल कर सकते हो 10 की, तो 10 की पावर माइनस 12 जब ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 10 की पावर माइनस 6 ओवरऑल, तो ये आपका बचेगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.854 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4। ये आपका आया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, जूल पर मीटर क्यूब। अब आपका टारगेट क्या निकालने का है, जूल मतलब मीटर क्यूब से मल्टीप्लीकेशन, कैसे करते हैं, एनर्जी डेंसिटी इंटू डीवी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल वॉल्यूम, हमें आता है अच्छे से। तो यहां पर अब हम एनर्जी निकालेंगे डब्ल्यू ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा, तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 2 इंटू 8.854 इंटू पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब यहां पर अगर लिमिट्स की बात करें तो आप देखो, मैंने यहां पर आपको समझाया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए थीटा और फाई की लिमिट क्या होती है, ऑलवेज 0 से पाई और 0 से 2 पाई, तो वो तो आप डायरेक्टली मेंशन कर दो 0 से पाई और 0 से 2 पाई। सवाल उठता है आर की लिमिट, तो देखो यहां पर मेंशन क्या है, यहां पर मेंशन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, ध्यान रखना ऑन इट्स सरफेस है। और देखो एक प्रॉब्लम हिंट के लिए भी है, आपने डी एक्सटर्नल टू द स्फीयर भी निकाला था। देखो जब ऑन इट्स सरफेस की बात कर रहा है और अगर आपको टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड निकालना है, मतलब सरफेस से लेकर जो 5 सेंटीमीटर वाला स्फीयर है ना उसकी सरफेस से लेकर पूरा इंफिनिटी तक,
तो यहां पर जो लिमिट आपकी होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻²⁺ से लेकर इंफिनिटी, ये सिचुएशन आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। सेंटीमीटर था इसलिए हमने 10⁻²⁺ लिखा। यहां पर अब आप देख लो आर स्क्वायर कैंसल होगा तो नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर, तो यहां पर सिचुएशन क्या होगी, 9 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 × 8.854 इंटू पाई स्क्वायर, ये सारा कॉन्स्टेंट मैंने बाहर कर दिया, तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, r⁻², का कितना होता है r⁻²+1 डिवाइडेड बाय −2+1, दैट मींस −1/r। तो यहां से आप पुट कर दो −1/r, लिमिट क्या है आपकी 5 × 10⁻²⁺ से लेकर इंफिनिटी, साइन थीटा का −cos θ 0 से पाई और डी फाई का फाई 0 से 2π, ये आपने यहां पर कंप्लीट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया। मैंने आपको हमेशा समझाया जब भी आपको माइनस साइन दिखाई दे अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाओ, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, और माइनस साइन को भूल जाओ। तो पहले इसको देख लो कॉस थीटा को, कॉस 0 1, कॉस फाई क्या होता है −1, तो 1 माइनस ऑफ −1 2, फाई को देखो 2π − 0 2π, और इसको भी आप देख लो पहले लोअर लिमिट पुट करोगे क्योंकि माइनस साइन है, तो 1/5 × 10⁻², फिर −1/∞, वो तो 0 ही होगा, 1/∞ 0 होता है। तो यहां से अगर मैं यहां पर मेंशन करूं आपके लिए तो ध्यान से देखो 9 × 10⁻⁶ 2 × 8.854 इंटू पाई का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 1/5 × 10⁻², फिर यहां पर हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा 2π, ठीक है। तो यहां से अब आपको W का फाइनल आंसर मिल जाएगा, मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके शो कर देता हूं। तो आप देखो ध्यान से, यहां से वैसे आप चाहते तो एक एक 2 यहां से कैंसिल कर सकते थे और एक एक पाई को भी यहां से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 9 × 10⁻², बेसिकली 10⁻⁶ को करने की जरूरत नहीं है, 9 / 8.854 / π / 5 और कुछ रहता है आपका × 2, तो ये आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है ये आ रहा है 0.1294, और 10⁻², ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका 10⁻+2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। अगर यहां पर मैं ऐसे लिख दूं 12.94, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10⁻⁶, तो आप लिख सकते हो माइक्रो जूल, ये आपका यहां पर फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी लास्ट वाली, आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप जो आज की दो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है वो आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।